यूपी में इस वक्त राजनीतिक गहमा गहमी है। 2024 और निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी सभी पार्टियों में बयानबाजियां तेज हो गई हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हाल ही में समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल से एक ऐसा ट्वीट हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। इस ट्वीट में सपा ने सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियन के रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में कैप्टन बनाए जाने के मामले को उठाया है, जिसमें जातिगत टिप्पणी की जा रही है। सूर्य कुमार यादव को रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। इससे संबंधित खबर जब एक मीडिया वेबसाइट में छपी तो खबर लिखने वाले पर ही मीडिया सेल को आपत्ति हो गई और उन्होंने इसे जातिवाद से जोड़ दिया। सपा ने ट्वीट में ये तक लिख दिया कि आधुनिक शास्त्र में इसे जातिवाद कहा गया है। कुल मिलाकर हार से बौखलाई सपा अब सत्ताधारी पार्टियों पर जातिवाद का आरोप लगाते लगाते मीडिया और खिलाड़ियों पर भी जातिवाद का आरोप लगाने लगी है। सपा ने इस पूरे मामले को बीजेपी से भी जोड़ दिया। अपने दूसरे ट्वीट में सपा ने लिखा, भाजपा ने दलित ओबीसी के दम पर ही सत्ता कब्जाई और उच्च जातिवादी तत्वों ने संस्थानों में कब्जा जमवाया। संस्थानों में कब्जे के बाद से भाजपा और सामंतवादी तथा उच्च जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग अपना जातिवाद का नंगा नाच कर रहे हैं। दलित ओबीसी के अधिकार मारे जा रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद अब अखिलेश यादव की राजनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पिछले दिनों चर्चा में रही सपा की मीडिया सेल को बदलकर नया रूप दिया गया था, जिसके बाद जानकारी मिली थी कि सारे ट्वीट अखिलेश यादव की नजर से होकर ही गुजरते हैं। ऐसे में पत्रकारों और खिलाड़ियों पर ही निशाना साधकर अखिलेश किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। हालांकि क्रिकेट जैसे खेल में राजनीति और वह भी जातिगत राजनीति का मुद्दा लोगों को पच नहीं रहा। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।